तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैं अपने डिवाइस Realme X पे यूज कर रहा हूँ Android 11 बेस्ड रिवेंज OS, जिसका कि मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस और रिव्यू वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो आप अगर चाहते हैं, इंटरेस्टेड है कस्टम रोम में रिवेंज OS में, तो आप वो वीडियो देख लेना कैसे इंस्टॉल करना है, TWRP कैसे इंस्टॉल करनी है, बूटलोडर कैसे अनलॉक करना है, उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाई है और साथ ही रिवेंज OS का रिव्यू भी शेयर किया है, जिसमें आपको सभी अच्छी और बुरी चीज़ें बताई हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ये डिसाइड करने में कि आपको ये रोम अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अब मैं जाने वाला हूं एक नए रोम पे, तो रिवेंज OS से हम स्विच करने वाले हैं Corvus 9.5 पे, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा अच्छी रोम भी हम लोगों के लिए रहेगी। तो सिंपली अपने डिवाइस को पहले तो कर लेते हैं रिबूट, और ये रिबूट करके हमें ले जाना होगा रिकवरी मोड में। तो अभी यहां पे हम आ चुके हैं रिकवरी मोड में, पावर बटन से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में आ जाएगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने कस्टम रिकवरी TWRP में, और यहाँ आने के बाद अब हमें सबसे पहले अपना एग्जिस्टिंग डेटा वाइप करना होगा, जो भी एग्जिस्टिंग रोम होती है उसका डेलविक आर्ट कैश कैश सिस्टम वेंडर डेटा, ये 5 पार्टीशन सेलेक्ट कर देने हैं और स्वाइप टू वाइप कर देना है। कुछ ही समय में आपका डेटा जो है वाइप हो जाएगा, आपकी जो एग्जिस्टिंग रोम है वो डिलीट हो चुकी है। इंस्टॉल में जाना है, इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं दो फाइल्स। पहली फाइल जो है वो तो है हमारे जी एप्स, यानी कि गूगल सर्विसेज हमें इसके अंदर मिलती हैं और बाकी गूगल के एप्लीकेशंस। दूसरी है Corvus OS 9.5। तो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी रोम को, तो कुछ टाइम इंस्टॉल होने में लेती है, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन इसके बाद में हमें जी एप्स भी इंस्टॉल करना है। तो फाइनली रोम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, अभी चलते हैं बैक और इंस्टॉल कर लेते हैं अपने जी एप्स। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जी एप्स को और फिर से स्वाइप करेंगे, और थोड़ा सा टाइम इसमें भी लगेगा तो इसके लिए भी थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब हम इंस्टॉल करते हैं अपने डिवाइस पे जी एप्स। तो एक बार मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ जी एप्स इंस्टॉल करने का, उस समय मैंने ये फुल वाला पैकेज किया था तो एरर कोड 70 आ गया था, जिसका मतलब होता है कि इनसफिशियंट स्टोरेज आपके डिवाइस पे है। तो अभी मैं छोटा जी एप्स का पैकेज ट्राई करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो अब की बार छोटा पैकेज हमने जी एप्स का इंस्टॉल करने की कोशिश की थी और वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब कर लेते हैं वाइप कैश एंड डेलविक, और इसके बाद में रिबूट कर लेते हैं सिस्टम और देखते हैं कितना टाइम हमारा यहाँ पे लगता है इसको रिबूट होने में। और जी एप्स के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको नैनो इस्तेमाल करना है, क्योंकि नैनो साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है, उसमें आपको कोई भी एरर कोड 70 या फिर कोई और एरर देखने को नहीं मिलेगा, वही आप लोग इस्तेमाल करना, मैं वही रिकमेंड करूँगा। तो गाइस फाइनली हमारी Corvus OS बूट हो चुकी है और यहाँ पे अब ये सेटअप मांग रहा है, तो सेटअप को मैं कर लेता हूँ, फिलहाल इस पार्ट को स्किप कर दूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा समय लगता है तो आप लोग इंतजार करना मेरे ख्याल से पसंद नहीं करोगे। तो चलिए इसको स्किप करके सेटअप कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने सेटअप कर लिया है और यहाँ पे हमारा डिवाइस पूरी तरह से बूट हो चुका है Corvus OS 9.5 एंड गेम के साथ में। तो भाई देखो, सबसे पहले लुक की बात करें तो इसका ड्रॉअर आपको दिखा दूँ किस तरह का है। इसके अंदर हमें सिर्फ 15 चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक तो प्ले स्टोर हो गया, गैलरी गो और गूगल की सर्विस हो गई, तो इसके अलावा क्या बचता है। तो बहुत कम एप्लीकेशन है, मैं उम्मीद करता हूँ रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। और साथ ही बात करते हैं सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में आप चल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको कस्टमाइजेशन के नाम पर पहले तो यहाँ मिल जाती है आपको थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर आपको रावंस लेयर मिल जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं रिव्यू में आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ है, कैसे कैसे काम करता है। साथ ही रियलमी सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे वो भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं सेटिंग्स के अंदर, वो हमें वही देखने को मिलती हैं जो स्टॉक एंड्रॉयड में मिलती हैं। अब जब एंड्रॉयड की बात आई है तो एंड्रॉयड वर्जन आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ में हमें ये मिलता है Corvus, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे Android 10 का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। नेविगेशन जेस्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। फिलहाल मैंने Android 10 वाला जो पॉपुलर जेस्चर है वो यहाँ पे कर दिया है। तो भाई इस तरह की कुछ रोम है और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या कुछ आपको मिलती हैं। और अब मैं इस रोम को कुछ दिन यूज़ करूँगा, यूज़ करने के बाद में इसके जो भी फीचर्स होंगे, जो भी इसके बग्स हैं, मतलब क्या कुछ अच्छा देखने को मिलता है, क्या कुछ बुरा देखने को मिलता है, वो सारा आपके साथ में शेयर करूँगा। तो उस वीडियो के लिए आप बने रहना चैनल पर। और जाते जाते एक चीज़ और आपको दिखा देना चाहता हूँ, प्ले स्टोर। तो यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर में चल के देखते हैं डिवाइस हमारा सर्टिफाइड है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड, तो कोशिश करेंगे इसको भी फिक्स करने की, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। और अब जाते जाते आपको एक चीज और दिखा देना चाहता हूं, मेरा बड़ा मन है उसको देखने का। तो यहां आप देख सकते हैं प्ले स्टोर, मैंने ये चेक किया था, डिवाइस प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन, तो भाई हमें इस डिवाइस के अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो कोशिश करेंगे इसको भी फिक्स करने की और आने वाले वीडियो में सारी चीज आपको बताऊंगा। आपका जो भी सवाल हो इस रोम के रिगार्डिंग, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर देना, आने वाले वीडियो में कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता चुका हूं। चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, ऐसे मजेदार वीडियोस और पाने के लिए इन फ्यूचर बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो कभी मिस ना हो आपसे। मैं मिलता हूं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।